सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। मैं आशा शर्मा आपको बेटा हिंदी पढ़ाऊंगी और आप कक्षा 4 से 5 में आ गए हैं, है ना। और नए सत्र की शुरुआत हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से करेंगे। बेटा, आपकी पाठ्य पुस्तक है मेधा और व्याकरण पुस्तक है कोपल। आप सभी को हिंदी की 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी में हर रोज़ सुंदर लेख आपको लिखना है और प्रत्येक पेज पर दिनांक डालनी है, एवं दूसरी कॉपी में आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सुंदर लेख के लिए आप पुरानी कॉपी भी ले सकते हैं। और बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 1 अरमान कविता को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। यह कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। इनका जन्म 4 मार्च 1889 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के कोइरीपुर नामक गांव में हुआ था। और एक प्रार्थना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसे आज भी स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय गाया जाता है। प्रार्थना सभा यानी असेंबली में गाया जाता है। इनकी रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी आदि हैं। त्रिपाठी जी का निधन यानी डेथ, मृत्यु, है ना। उनकी जो डेथ है, कब हुई थी उनकी डेथ बेटा? उनकी डेथ हुई थी 16 जनवरी 1962 को। और त्रिपाठी जी ने अपनी कविता अरमान में बताया है कि हर बालक की चाहत होती है कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करे ताकि संसार में वह अमिट छाप छोड़ सके। अमिट यानी कभी भी ना मिटने वाली छाप छोड़ सके। इस कविता में बालक मातृभूमि की सेवा में भी अपना तन मन लगाने की इच्छा रखता है। आइए इसी भाव की इस कविता को अपन पढ़ते हैं। पाठ 1, कविता अरमान। है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। कवि कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है, मैंने बालक के रूप में उन्होंने अपने आपको बताया है कि यही इच्छा है कि हम अपने जीवन में कुछ करके दिखलाएंगे। और जो लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं देश के लिए, तो वे अमर हो गए हैं। अमर माने जो कभी भी ना मरे, उनमें हम अपना नाम लिखवाएंगे। ये आपका पहला वाला हो गया है। उसके बाद जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कवि कहते हैं जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं और जिन पर किसी की छाया नहीं, जिनको किसी का भी सहारा नहीं है, जिनको किसी की भी सहायता नहीं मिलती है, हम ऐसे लोगों को अपने गले लगाएंगे और उनको सुख देने की कोशिश करेंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, उद्यम का दीप जलाएंगे। कभी कहते हैं जो लोग अंधेरे घर में, मतलब जो लोग अज्ञानता में हैं, जिनको अपना खुद का ही ज्ञान नहीं है कि उनके अंदर कितना कौशल है, उनके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है, हम उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, उद्यम का दीप जलाएंगे यानी मेहनत करने के लिए उनको समझाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, फिर से उत्साह जगाएंगे। कवि कहते हैं जो लोग अपने जीवन में निराश होकर के बैठे हैं, जिन्होंने अपनी उम्मीद को खो दिया है,
उम्मीद मार कर बैठे, यानी उम्मीद अपनी आशा को उम्मीद को खो दिया है। हम उनके बुझे दिमागों में उनकी निराशा को आशा में बदल के रहेंगे और उनके अंदर उत्साह जोश जगाएंगे। और इसके बाद है, रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, अपना सर्वस्व लगाएंगे। कवि कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने से रोको मत, और हम तो जो है आज़ादी के, स्वतंत्रता के दीवाने हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, और हम अपनी मातृभूमि की जो सेवा में है अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अब ये लास्ट है बेटा, हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि कहते हैं कि हम तो उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो चुके हैं, और वे लोग जो है अपनी धुन के, अपनी लगन के पक्के थे और सच्चाई पर चलने वाले थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनका आदर बढ़ाएंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे, और हम जो है संसार में नाम कमाएंगे, दुनिया में अपना नाम कमाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। तो बेटा हमने ये कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की पढ़ ली है और समझ ली है। अब इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा करेंगे, है ना। कवि किसमें नाम लिखवाना चाह रहे हैं? कवि अमरों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं, अमरों मैंने जो कभी भी मरते नहीं हैं। और कवि किसे गले लगाने की बात कर रहे हैं? कवि उन्हें गले लगाने की बात कर रहे हैं जो लोग गरीब हैं और भिखारी हैं, जिनको किसी का भी सहारा नहीं है, जिनकी कोई सहायता नहीं करता है, हम उनको गले लगाएंगे। कवि मेहनत या परिश्रम का दीप जलाने की बात किसके लिए कह रहे हैं? कवि मेहनत या परिश्रम का दीप जलाने की बात उनके लिए कह रहे हैं जो अज्ञान के अंधकार में हैं, जिन्हें अपना ही ज्ञान नहीं है कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, कितना कौशल है, हम क्या क्या नहीं कर सकते, उनको नहीं पता, वो सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। और कवि किसके बुझे दिमागों में उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं? कवि उनके दिमागों में उत्साह और जोश जगाने की बात कर रहे हैं जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, उनके अंदर उम्मीद जगाने की बात कर रहे हैं। कवि अपना सर्वस्व माने सब कुछ कहाँ लगाने की बात कर रहे हैं? कवि अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व मातृभूमि की सेवा में लगाने की बात कर रहे हैं। कवि त्रिपाठी जी किसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? कवि त्रिपाठी जी उन वीरों का जो देश की आज़ादी के लिए समर्पित हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जो अपनी लगन और लक्ष्य के लिए पक्के इरादों के साथ थे और सच्चाई पर थे, है ना, उनके लिए उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये कविता अपनी पूरी हो गई है, अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपका गृह कार्य यही है कि इस कविता को आप 2 या 3 बार उंगली लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे से उच्चारण करेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।